गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज चुके हैं और अब हम यहीं हैं दिल्ली बंसी के यहाँ पर, और अब निकलने की तैयारी करेंगे क्योंकि बहुत हो गया लेट। 11 बज चुके हैं, सुबह वीडियो अपलोड करते करते 5 बज गए, तो 5 बजे के बाद सोया हमें और उठा फिर 9:30 बजे। अब यहाँ से निकलने की तैयारी चेक कर रहे हैं, चल रहे हैं अपने मेरठ। सुबह सुबह खेलने लगे हैं हमारे पबजी। TDM खेल रहे हो? हाँ। और गेम देखो बंसी का। ओहो, इतनी देर में तो 3 बार मरेगा। अरे लैडर चला, फिर देखो बंसी का नेट चला गया। तो फाइनली टाइम टू ब्रेकफास्ट, और ये हमारे पंडित जी देखिए बैठे 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 10-12 पराठे लपेट चुके हैं मट्ठे और चटनी के साथ, साथ में बंसी खेल रहा है BGMI पबजी, मेरी आईडी से खेल रहा है और मुझे ही मार रहा है बार बार, मुझे ऑफलाइन करके। बहुत सही। तो अभी फाइनली ठीक 12 बजे हम घर के लिए निकल चुके हैं बंसी के यहाँ से, और ये देखिए हमारे पंडित जी। हाँ, 100-200 फालतू ले लेना, जल्दी जल्दी करो, सही नहीं करता है काम है, सही नहीं करते, काट ना 50 रुपए। तो रात कह भी रहा था तनखा बढ़वाऊंगा। तो हमारे साथ जा रही है, क्या करवाना है? रात तो वो बढ़ गए, फॉलोवर्स बढ़ गए इंस्टा पे, अब देखूंगा, अब और बढ़वा दो, और बढ़वाओ, लाइक भी बढ़वा दो, ठीक है, फॉलोवर्स से क्या होता है, ठीक है, लाइक भी बढ़वाओ और शेयर भी करवा दो, ठीक है, शेयर भी करवा दो, ठीक है, बाय बाय। ओ नहीं नहीं, नीचे मत आओ, नीचे मत, चलो चलो ऊपर चलो, हनी चलो ऊपर, हनी होटल वाला, हां राजकुमार के बराबर वाला, पकड़ ली, इधर तो नहीं, अंदर से जाएंगे ना, तो फाइनली हम निकल चुके हैं मेरठ के लिए, लेह लद्दाख बाद में हमारे उठ गए और अब चल रहे हैं, देखिए सामने। ये देखिए दिल्ली से मेरठ के रूट पर जो है मेट्रो ट्रेन का जो काम चल रहा है, कितनी तेजी के साथ चल रहा है, लगभग यहाँ तक तो पूरा हो चुका है, ऊपर बिजली के खंभे भी जो हैं वो भी लग चुके हैं, बस यहाँ से तो ट्रेन चलने ही वाली है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे दिल्ली में चल रहे हों, फ्लाईओवर बढ़िया। और ये आ गया अपना मेरठ, फाइनली हम आ गए हैं अपने शहर मेरठ में। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Finally, घर आ चुका हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करके फ्रेश होता हूँ, फिर नहा लेता हूँ, उसके बाद सोना है क्योंकि सुबह 5 बजे सोया था तो नींद आ रही है बहुत तेज, तो जल्दी से फ्रेश हो। अभी नहाने का प्रोग्राम पोस्टपोन करके पहले सोने का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है और नहा लिया तो नींद उड़ जाएगी, और फिर रात को ना तो ब्लॉग एडिट कर पाऊंगा ठीक से, और सिर में हो जाएगा दर्द, तो इसलिए पहले अब नहा लेते हैं, पहले सो जाते हैं उसके बाद नहाएंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, 3:30 बजे सोने के बाद आंख खुली है 7 बजे, यानी कि 3.5 घंटे ही मैं सो लिया, और थोड़ा सा अब माइंड जो है फ्रेश से लग रहा है, वरना सिर में दर्द होना शुरू हो चुका था क्योंकि रात भी ठीक से मैं सो नहीं पाया था, 5 बज गए थे एडिट करने में और अपलोड करने में, तो 5 बजे के बाद ही बात सो पाया था, इस वजह से सिर में दर्द हो रहा था सुबह से, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक फील हो रहे हैं, तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे विराट कैसे जमीन पे लेटा है, क्या हुआ विराट, क्या हुआ बताओ, बता, जूते खा रहा है, ओ जूते खा रहा है, इसको दाल लेने भेजा था और ये दाल रास्ते में बिखेर आया, तो अब इसको पिटाई के डर से ना रो के दिखा रहा है, दाल कहाँ पे बिखेर के आए विराट, ये गंदा लड़का, इससे कोई बात नहीं करेगा आज के बाद।
ये क्या नाम अभी तेरा? संस्कार नाम है, कितना शर्मा रहा है। ये विराट का दोस्त है, मिलना है विराट से। विराट और ये दोनों खेल रहे हैं। कौन सी वीडियो देखता है तू? मैं फ्री फायर। फ्री फायर खेलता है? किसके मोबाइल में? पापा के मोबाइल में। तो विराट से दोस्ती है तेरी? तब तो शर्मा क्यों रहा है? मैं तो कह रहा हूँ फ्री फायर डाउनलोड कर ले, मेरी टीम आ गई है। अच्छा, ओप्पो की? हाँ। ओप्पो का फोन होगा तेरे पापा का? अच्छा, OPPO। ओप्पो ठीक है। विराट को भी डाउनलोड करवाऊंगा आज फ्री फायर। अभी अभी जो है खबर आ रही है, जनरल विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है देहांत हो गया है। बहुत ही दुखद घटना, और सच में देश ने आज एक बहुत बड़ा वीर खो दिया। अभी भी उनकी न्यूज़ ही आ रही है टीवी पर, उन्हीं को देख रहा हूँ तो एकदम धक्का सा लग गया। उनकी न्यूज़ देखें, भगवान उनकी आत्मा को और उनकी पत्नी की आत्मा को शांति दे। क्या बोल सकते हैं, समय का कुछ नहीं पता भाई। नाउ टाइम टू डिनर, रात के खाने का समय हो चुका है। खाना बनवाया है बहुत हल्का, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा हैवी खा रहे हैं। पहले कल दावत, उसके बाद गोलू ने एंड किशन ने तो बहुत ही नई नई चीज़ें, मतलब भेलपूरी, चिली पटेटो, मोमोज और पता नहीं क्या क्या खाया रहा। तो पेट थोड़ा हो गया गर्म, गर्म क्या, पेट हो गया हैवी। और सुबह खा लिए गोभी के पराठे, तो अब थोड़ा हल्का बनवाया। और हल्के में क्या है दिखाता हूँ जरा। हल्के में है मसूर की दाल काले वाली एंड चावल। तो जल्दी से कर लेते हैं डिनर, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं इसका राणा जी। ये देखिए इसका राणा जी लगे पड़े हैं, बेसब्र आदमी है बिल्कुल, मतलब किसी का इंतजार करेंगे ही नहीं। और ये विराट का खाना भी आ चुका है। क्या खाओगे? दाल चावल। दाल चावल डबल आके तेरी कैसे, मुझे बता। जो कोई भी छोटी चीज है ना सूरज पे चलेगी ना, मेरी आंख को देख सकती है। अच्छा, तो तेरी आंख इस वजह से डबल है, हमारी आंख नहीं देख पाती सूरज पे जो कोई चीज चल रही हो। जादू तो नहीं विराट, तेरी शक्ति तो नहीं है, सुपरमैन तो नहीं तू? नहीं, सुपरमैन की आंखों में तो लेजर होती है। अच्छा, उसकी आंख में लेजर होती है, सॉरी। और फिर कौन है फिर, आंख किसकी आंख है तेरी? बोल दो, आज के ब्लॉग में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो 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 बोलो, नहीं बोल रहा। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थक चुके हैं बहुत, दो दिन से थके हुए थे, और फिर अब दो दिन, परसों को फिर जाना है महाकाल, तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह इसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, टाटा, बाय बाय। अब तो बोल दे। Okay.